ये देखिए, ये मैस हो जाता है जब शूट के लिए सारे कपड़े सब चीज़ें रेडी की जाती है, तो ये मैस होता है। जो ड्रेसेस मैं वेयर कर चुकी हूँ, तमाम ड्रेसेस को दोबारा से रखना है, और फिर दूसरे नेक्स्ट शूट के लिए जो चीज़ें चाहिए वो दोबारा से लेना है, तो ये मैस हो जाता है। अब इनको क्लीन करूँगी मैं तमाम चीज़ों को। अच्छी तरीके से मैंने चीज़ें सेट कर ली हैं, और ये मेरे कुछ कपड़े हैं जो कि मैं अभी शूज़ में पहन रही थी जो नए आ रहे थे, और ये सारी चीज़ें ये मैंने पूरा सफाई कर ली है अच्छी तरह। ये कुछ नए कपड़े हैं जो कि अभी उसको सेट करने हैं, और ये सब चीज़ें क्लीन कर दी है मैंने। तो बस जो चीज़ें ख़ुद फैलाते हैं उसे खुद ही सही करना पड़ता है, और ये वो चीज़ें हैं जो कि वार्डरोब अपनी सेट करना, चीज़ें सेट करना। अच्छा, इस वार्डरोब में जो है वो मेरे कंप्लीट कपड़े नहीं हैं, बस ये कुछ नए हैं और कुछ शोज़ में पहनने हैं। बाकी ये है कि जो कपड़े दूसरे थे वो भी मैंने दूसरी अपनी जो मेन अपनी मेरी जो जहाँ मैं वार्डरोब सेट करती हूँ अपना, वहाँ पर मैंने कबर्ड में सेट कर लिया। ये कुछ कपड़े हैं बस। वेलकम बैक। तो ईद की तैयारियां तो हो गई हैं, और अब कुछ खाने पकाने की भी तैयारी हो जाए। तो अभी मैं जा रही हूँ ग्रॉसरी लेने के लिए, तो देखते हैं मार्केट में कितना रश है, क्या सब कुछ चल रहा है। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ ग्रॉसरी के टाइम, और बताती हूँ कितना रश है। और कराची में स्पेशली तो बहुत ज़्यादा रश होता है, क्योंकि लोग एंड टाइम पर उठते हैं, उनको सब कुछ लास्ट पे जैसे हमें भी याद आता है, लेकिन कुछ इतनी ज़्यादा चीज़ों में उलझे हुए थे कि ये चीज़ें जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं उनको हम लास्ट टाइम के लिए रखते हैं। तो बस अभी मैं चलती हूँ और देखती हूँ कि कितना रश है और कितनी देर में ग्रॉसरी से हम फ्री हो जाते हैं।